तीसरे स्थान पे। डॉक्टर कमल प्रीत जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को सम्मानित करता हूँ कि हमारे बीच में सम्मान्य मुखिया आसमानी नीला कलर में रायपुर संभाग के यह खिलाड़ी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर संभाग से है। आरुण नदी के तट पर बचा छत्तीसगढ़ का बड़ा शहर रायपुर, जहाँ सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा तिरंगा लहराए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर के अलग पहचान बनाया। रायपुर के पर्यटन स्थलों में नगर घड़ी जो हर घंटे छत्तीसगढ़ की लोग सुनाती है, छोटा तालाब यहाँ का सबसे बड़ा तालाब है जिसे स्वामी विवेकानंद सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। रायपुर के मंदिर महंत घासीदास संग्रहालय तथा राजीव गांधी ऊर्जा पार्क एक नागरिक वन जहाँ सभी झूले सौर ऊर्जा से संपन्न है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा पर्यावरण सृष्टि की सन्निधि में विकास की कल्पना को साकार करते मुक्तांगन रायपुर का एक विशेष पहचान है। रायपुर के पश्चात बस्तर के खिलाड़ी माननीय तृतीय अतिथियों को सलामी देते हुए पिंक रंगों में सुशोभित बस्तर के खिलाड़ी गण मंच के सामने कदम से कदम मिलाकर चलते हुए खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति में रंगा बस्तर की छटा ही निराली प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर पहचान बनाने वाले यह जिला वाड़ा की छत्र काली नदी में समाहित होने वाली इंद्रावती नदी के मुहाने पर बसा जगदलपुर जहाँ की हस्तशिल्प अपनी एक अनूठा पहचान रखता है। दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता यह क्षेत्र बस्तर जहाँ बस्तर महल दलपत सागर चित्रकूट जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात सर और कैलाश गुफा अत्यंत यहाँ की मनोहारी है। बस्तर के छात्र गए अतिथि गण को सलामी देते हुए बस्तर के पश्चात बिलासपुर संभाग गढ़ नीलापुर में बिलासपुर के खिलाड़ी मन से आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का यह दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर जहां उच्च न्यायालय स्थित है और जिसे हम न्यायधानी के नाम से जानते हैं। बिलासपुर गौतमपुर सूर्य नारायण कालागांव जैसे स्थल पुरातात्विक संदर्भ में बेहद समृद्ध रहा है। बिलासपुर के पश्चात दुर्ग के खिलाड़ी नीला प्रसाद ने सलामी सलाम करते हुए यह खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण शहरों के समान दुर्ग जोन जहाँ औद्योगिक और कृषि केंद्र शिवनाथ नदी के तट पर बसा या यहाँ खनिज संपदा की जमीन नहीं है।
पर्यटन की बात कहें तो चंडी मंदिर, गंगा मैया, देवबड़ा और रामपुरा का जैन मंदिर किसी को छिपा नहीं। मैत्री भारत की अपनी अलग ही पहचान है, जहाँ विशेषकर बच्चों को चिड़ियाघर के साथ साथ अनेक प्रकार के मनपसंद झूले आनंद देता है। दुर्ग संभाग के खिलाड़ी मंच को सलूट करते हैं। दुर्ग के पश्चात हमारे प्यारे बच्चे खेला परिधान में सरगुजा संभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सरगुजा दंडकारण्य क्षेत्र से हमारे खिलाड़ी, कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम